अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर 2023 शनिवार की सुबह 4:18 से हो जाएगा, जो कि 28 और 29 अक्टूबर की रात्रि 1:54 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसी दिन स्नान दान तथा व्रत की कोजागरी पूर्णिमा रहेगी। इस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। यह ग्रहण रात्रि 1:05 से प्रारंभ होकर के रात्रि 2:23 तक रहेगा। इस ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दोपहर 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। इसी दिन सूतक लगने के पहले खीर बना करके आपको रखना चाहिए तथा उसमें कुशा या तुलसी जी का पत्ता रख दे तथा ग्रहण समाप्ति के बाद चंद्रमा की रोशनी में रख करके उस खीर के प्रसाद का वितरण कर देना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। इस बार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा यानी 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन शरद पूर्णिमा है। व्रत की पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी, कोजागरी पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी तथा कार्तिक स्नान का प्रारंभ भी इसी दिन होगा। 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 4:18 सुबह से हो जाएगा, जो कि 28 और 29 अक्टूबर की रात्रि 1:54 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। स्नान दान व्रत की कोजागरी पूर्णिमा, कार्तिक स्नान प्रारंभ की पूर्णिमा इसी दिन रहेगी तथा इस दिन रात्रि में खग्रास चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होने जा रहा है। यह ग्रहण रात्रि 1:05 से प्रारंभ होकर के रात्रि 2:23 तक रहेगा। इस ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दोपहर 4:05 से हो जाएगा। इसी दिन सूतक लगने से पहले आपको शरद पूर्णिमा के निमित्त खीर बना करके तैयार कर लेना चाहिए तथा उस खीर में कुशा या तुलसी जी का पत्ता डाल दे और ढक करके सुरक्षित स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को रख करके बाद में उस प्रसाद को वितरण करना चाहिए। इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति होने के कारण कई लोगों में बड़ा असमंजस बना हुआ है कि व्रत की पूर्णिमा कब माने तथा शरद पूर्णिमा का महापर्व कब मनाए, क्योंकि कई स्थानों पर शरद पूर्णिमा के भव्य आयोजन होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको यह पता लगेगा कि आपको शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। 28 अक्टूबर को उदिया तिथि के अनुसार चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि है। इसी दिन शरद पूर्णिमा का महापर्व मनाना है। हालांकि शरद पूर्णिमा के दिन भर यानी सुबह सूर्योदय से लेकर के 4 तक आपके पास समय रहेगा। इस दौरान आप शरद पूर्णिमा से संबंधित पूजन अर्चन संपन्न कर सकते हैं। व्रत की पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी, कोजागरी पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में जो दूध या खीर रखा जाता है वो आपको ग्रहण समाप्ति के बाद ही रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का पूजन अर्चन या भगवान को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। इस बार होने वाला चंद्र ग्रहण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस ग्रहण की पूर्ण अवधि 1:18 रहेगी। यह चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों में देखा जा सकेगा। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जा रहा है, क्योंकि ग्रहण के दौरान एक अवस्था में पहुंच करके चंद्रमा का रंग रक्त की तरह लाल दिखने लगेगा। यह खगोली घटना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण का विशेष महत्व है और खगोल शास्त्र के अनुसार चंद्रमा धरती के अत्यंत करीब दिखाई देता है। यह खग्रास चंद्र ग्रहण
अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में लगने जा रहा है। जिन लोगों का अश्विनी नक्षत्र में जन्म है या जन्म राशि जिनकी मेष है या जिनकी लग्न मेष है, उनके लिए यह ग्रहण अत्यंत अशुभ फल देने वाला होगा। मिथुन, कर्क, वृश्चिक व कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ फल देने वाला होगा। इन लोगों को धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तथा कई प्रकार के अच्छे और बड़े लाभ मिल सकते हैं। इसी तरह सिंह, तुला, धनु, मीन राशि के लिए यह ग्रहण मध्यम फलदायी रहेगा तथा मेष, वृषभ, कन्या एवं मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण अशुभ रहेगा। यह ग्रहण 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में आरंभ होने जा रहा है। इस ग्रहण का स्पर्श रात्रि 1:05 से होगा तथा इस ग्रहण का मोक्ष यानी समाप्ति का जो समय है वो रात्रि 2:23 रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 1:18 रहेगी। भारत में सभी स्थानों पर, सभी प्रदेशों में, सभी नगरों में, सभी गांवों में यह ग्रहण 28 एवं 29 अक्टूबर की रात्रि में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत के सहित यह ग्रहण इंग्लैंड, डेनमार्क, श्रीलंका, सीरिया, नेपाल, पोलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, रूस, अरब देशों में एवं दक्षिण पश्चिम एशिया सहित विश्व के कई देशों में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खग्रास चंद्र ग्रहण का सूतक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर 2023 को ग्रहण प्रारंभ होने के 3 प्रहर यानी 9 घंटा पहले ही लग जाएगा। 28 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 4:05 से सूतक आरंभ हो जाएगा जो कि ग्रहण समाप्ति पर ही समाप्त होगा। सूतक लगने के बाद कुछ भी खाना पीना वर्जित रहता है। रोगी, वृद्ध, बच्चे और गर्भवती स्त्रियां सूतक के दौरान खाना पीना कर सकती है। उनके लिए कठोर नियम नहीं रहेंगे लेकिन ग्रहण के दौरान सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। सूतक प्रारंभ होने से पहले पके हुए भोजन, पीने के पानी, दूध, दही, खीर, मिठाई, फल, भोजन और जो भी सामग्री आपके पास खाने पीने की हो उसमें तुलसी पत्र या कुशा आपको डाल देनी चाहिए। इससे सूतक का प्रभाव इन वस्तुओं पर नहीं होगा। ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है, इसलिए ऐसे कई कार्य है जिन्हें ग्रहण के दौरान नहीं किया जाता है। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। वृद्ध, रोगी, बच्चे और गर्भवती स्त्रियां जरूरत के अनुसार सो सकती है। वैसे यह ग्रहण मध्य रात्रि से लेकर के तड़के के बीच में होगा, इसलिए पृथ्वी के अधिकांश देशों के लोग निद्रा में रहेंगे। ग्रहण काल में अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में यात्रा नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। ग्रहण काल में स्नान न करें। ग्रहण समाप्ति के बाद ही स्नान आपको करना चाहिए। ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान मंत्र जाप, सिद्धि साधना या कोई भी विशेष मंत्र की सिद्धि के लिए उसका अधिक से अधिक आप जाप या पाठ कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान किसी भी मनुष्य को अपने देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर के, मंदिर के पट बंद करके रखना चाहिए। जैसे ही सूतक लगे वैसे ही आपको घर के और अपने मंदिर के पट बंद कर देना चाहिए। यानी आपके घर में यदि कोई देव स्थान है, मंदिर है, तो वहां पर पर्दा लगा करके आपको रखना चाहिए। ग्रहण का जो सूतक होता है वो भी अशुद्ध समय माना जाता है तथा ग्रहण का जो समय होता है वो भी अशुद्ध माना जाता है। इस दौरान हमको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान को छूना नहीं चाहिए और ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करके ही भगवान को स्नान कराएं और उनकी पूजा पाठ आरती करके उनको भोग लगाएं। इस दिन शरद पूर्णिमा है तो शरद पूर्णिमा की जो पूजा पाठ है वो दिन में 4:05 के पहले पहले आपको कर लेना चाहिए और यदि दिन में नहीं कर पाते हैं तो रात में जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करने के बाद शरद पूर्णिमा की पूजा पाठ आप कर सकते हैं क्योंकि पूरी रात्रि पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी।
अगले दिन सूर्योदय के पहले पहले आपको शरद पूर्णिमा से संबंधित समस्त पूजन पाठ आदि कार्य संपन्न करना है। ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी पर होता है तो गर्भवती स्त्रियों को होता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियां घर से बाहर न निकले, खुले मैदान में न जाएं, यात्रा न करें। बाहर निकलना बहुत आवश्यक हो तो अपने पेट के ऊपर चंदन और तुलसी के पत्तों का लेप कर ले या फिर गेरू या हल्दी लगा ले। इससे ग्रहण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर नहीं होगा। ग्रहण काल के दौरान यदि खाना पीना जरूरी हो तो सिर्फ खान पान की उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करें जिनमें सूतक लगने से पहले तुलसी का पत्ता या कुशा आपने डाला हो। वैसे तो ग्रहण के दौरान सभी चीजों को खाना पीना वर्जित माना गया है, लेकिन यदि बहुत आवश्यक हो तो जल में या किसी भी फल के रस में तुलसी जी का पत्ता यदि आपने पहले से डाल दिया है तो उसको आप पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। गर्भवती स्त्रियां ग्रहण के दौरान चाकू, छुरी, ब्लेड, कैंची, हसिया, कुल्हाड़ी जैसी काटने की किसी भी वस्तु का बिल्कुल नहीं प्रयोग करें। सुई में धागा न पिरोएं, सुई धागा से सिलाई भी बिल्कुल न करें। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे के अंगों के ऊपर विपरीत प्रभाव होता है। ग्रहण काल के दौरान भगवान का नाम स्मरण सभी को करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान का नाम जपेंगे उतना ही आपको अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान राहु और केतु चंद्रमा को ग्रसित करेंगे, ऐसे में चंद्रमा कष्टमय स्थिति में रहेंगे। तो जब आप भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे तो उनको कष्ट से मुक्ति मिलेगी और आपका मन चाहा कार्य पूर्ण हो जाएगा। यदि ग्रहण के दौरान कोई भी मनुष्य अपने इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र का जाप करता है तो निश्चय ही वह मंत्र सिद्ध हो जाता है तथा उसके जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। एक कुशा के या कंबल के आसन पर बैठ करके ग्रहण लगने के पहले स्नान करके तुलसी जी की माला से या रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से या कमल गट्टे की माला से आप मंत्र जाप आरंभ कर दें। लेकिन ध्यान रखें, आपको ग्रहण के दौरान भगवान को छूना नहीं चाहिए, स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके ही मंत्र जाप करें। ग्रहण के दौरान जो भी मनुष्य मंत्र जाप करता है, सिद्धि साधना करता है, उपाय करता है, उसके जीवन में जो जो भी इच्छाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप चंद्र ग्रहण से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको अवश्य ही जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।